आज तो हमारे घर में पूरा फिल्मी सीन हो गया, आपने व्लॉग में देखा हो। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज हम आ चुके हैं होटल, और होटल में आज हम अमेजिंग अमेजिंग सी चीज देखेंगे कि हम यहाँ पे क्या क्या मिलता है। और भाई यहाँ पे मतलब बहुत खतरनाक जगह है, तो वहाँ पे जाके देखेंगे हम मतलब बहुत अमेजिंग जगह है वहाँ पे। और वहाँ पे ना मतलब बहुत नाम है उस जगह का, तो वहां पे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या मतलब और वहां पे क्या क्या हाल है। और तो चलते हैं और देखते हैं। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं बहुत खतरनाक जगह पर, आपने इसका नाम बहुत सुना होगा। अब पीछे देखो, आपको कुछ पहचान में भी आ रही हो तो ये जगह, तो ये बहुत खतरनाक जगह है और इसको कहते हैं होटल की हवेली। ये मतलब होटल में ये हवेली, और तो मतलब इसमें तोड़फोड़ होगी नहीं। पहले इतनी फेमस हवेली थी बहुत ज़्यादा, और इसका मतलब बहुत नाम था। मतलब सब यहाँ से मतलब इस सामने हाईवे जा रहा ऊपर से, मतलब कोई भी यहाँ से जाता था ना सब डरते थे इस जगह से। भाई मतलब ये बहुत खतरनाक जगह थी यहाँ की, और यहाँ पर मतलब तो कुछ नहीं है, यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ तोड़ दी ना, इसलिए सब कुछ ख़त्म हो चुका है यहाँ पर। अब तो मेरा यहाँ पे आकर मेरा मन था कि मैं भी आऊँ और यहाँ पे मतलब देख के जाऊँगी यहाँ पे मतलब क्या अमेजिंग सी चीज है। और भाई ये मतलब बहुत खतरनाक जगह है यहाँ की। तो हवेली तो देख ली है, तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं और यहाँ पे क्या क्या चीज फेमस है और उसको देखते हैं। तो हम घूम रहे हैं होटल की गलियों में, और यहाँ पे मतलब पूरी जैसे फिल्मी सीन वाली गलियाँ रहती है ना, एक छत से दूसरी छत पे कूद जाते हैं, ऐसी गली मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब इतनी तगड़ी गली है सारी, मतलब इतनी पतली पतली सी गली है यहाँ पे, तो आपको दिख रही होगी, देखो कितनी पतली पतली गलियाँ हैं यहाँ पे। तो वहाँ की गलियों में घूम लिए, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमें क्या मिलता है यहाँ पे। तो गाइस हमको इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ रहा है, इसलिए होटल की हवेली से तो आ गए हैं, और होटल में थोड़ा बहुत घूम रहा है, तो किसी और दिन चलेंगे फिर घूम के आएंगे होटल। अभी फिर वो मतलब कुछ काम सा आ गया है, इसलिए मैं वापस घर जा रहा हूँ, और फिर किसी और दिन आएंगे फिर एक्सप्लोर करेंगे होटल को, और मतलब यहाँ की अमेजिंग अमेजिंग सी जगह पे जाएंगे और अमेजिंग खाना खाएंगे यहाँ का। और भाई देखो फौजियों का ट्रक जा रहा है, भाई कितना बढ़िया लग रहा है। और भाई देखो आर्मी की तो भाई सामान अलग ही दिया जाता है, हैवी हैवी भाई, कितना हैवी दिख रहा है आपको वीडियो में, तो इतना पता नहीं चल रहा होगा। तो मैं रास्ते में जा रहा था और मेरे को एक चाचा से मिले, उनसे मिलते हैं, वो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। भाई मतलब ये ना यहाँ पे इस रास्ते में ना मतलब जो रोड ट्रिप वाले रहते हैं ना, वो बंदे बहुत मिलते हैं, तो पता करते हैं कि चाचा कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ मतलब कहाँ पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उनके बारे में पता करते हैं। तो सामने से चाचा आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं मतलब कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं, और इनकी एज भी मेरे को बहुत ज़्यादा दिख रही है। चाचा राम राम। चाचा आप कहाँ से आ रहे हो? अच्छा, मतलब कंप्लीट हो चुका आपका? नहीं कंप्लीट नहीं हुआ, 20,000 किलोमीटर हो गया। अच्छा, 9 महीने हो गए। अच्छा आप कहाँ से चले थे वैसे? फरीदाबाद से। अच्छा फरीदाबाद गई लोकली आप? ये तो अपने ही मतलब अपने ही मतलब भाई बंधु निकलाए, ये तो फरीदाबाद गई हमारे पास से। और चाचा ने हमारे देश का फ्लैग लगा रखा है। चाचा मतलब यहाँ से आगरा से आ रहे हो, कैसे आ रहे हो मतलब फरीदाबाद से? अयोध्या से आ रहा हूँ। अच्छा अयोध्या से आ रहे हो? डर पहले मैं जो है गया था मथुरा वृंदावन, फिर उसके बाद जो है मैं गया राजस्थान, राजस्थान से पंजाब, पंजाब से जम्मू, जम्मू से हिमाचल, हिमाचल से उत्तराखंड, उत्तराखंड से दिल्ली, दिल्ली से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात, गुजरात से MP, MP से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से तमिलनाडु, तमिलनाडु से कर्नाटक, कर्नाटक से तमिलनाडु, तमिलनाडु से आंध्रा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार करते हुए अयोध्या वापस आया। भाई चाचा ने मतलब इतना ट्रेवल कर लिया, मेरे को यकीन नहीं हो रहा। मतलब चाचा ना साइकिल से है, साइकिल से भाई मतलब राइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और चाचा ने इतनी जगह बता दी, इतने तो मेरे को नाम भी नहीं पता जितने चाचा ने जगह बता दी है। और चाचा अभी अयोध्या से आ रहे हैं, अब मन तो मेरा भी अयोध्या जाने का। भाई थोड़ी टाइम में हम भी ट्रिप प्लान करेंगे,
तो चाचा का ये YouTube चैनल है, इसको लाइक और फॉलो करें। चाचा से तो मिल लिए, तो चाचा मतलब हमारे यहीं के लोकल के मिल गए और चाचा से मिलकर तुम मजे आ गए। तो अब अपने घर चलते हैं, जल्दी इस रास्ते में चल रहे हैं। तो गाइस हम हाईवे पर जा रहे थे और आपको मेरे कपड़े पर कुछ दिख रहा हो तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो भाई हमारे यहाँ पे बारिश आ रही है ना, हम केएमपी से जा रहे थे और ना हमारे यहाँ पे बारिश आ रही है। और देखो वैसे खेतों में कोहल का मौसम हो रहा और हमारे यहाँ पे बारिश आ रही है। घर और आपको देखो कपड़े इन पे दिख रहा हो तो कितनी बारिश से भीगे पड़े हैं। और यहाँ पे घर पे आके देखो कितनी ज्यादा बारिश हुई है। यहाँ पे तो बहुत तेज बारिश हुई है। देखो घर में कैसे पानी भरा हुआ बारिश की वजह से, सारा घर गीला ही गीला होने लग रहा है।